हुकूमती इकदाम, शदीद मुतासरा इलाकों में दो हफ्तों के लिए आज से लॉकडाउन, इतलाक शाम 7 बजे से होगा। नोटिफिकेशन जारी, मास क्लास में आमदोरफ ट्रांसपोर्ट डबल सवारी पर पाबंदी। सनती इलाके बंद, रेस्टोरेंट्स को होम डिलीवरी करने की इजाजत नहीं होगी। मलीर, करंगी, लांढी, ममनाबाद, कयूमाबाद, नासिर कॉलोनी, मिल्लत टाउन के इलाके सील किए जाएंगे। खारादर, सदर, लियारी, डिफेंस ली मार्केट, उर्दू बाजार, सोल्जर बाजार, सफूरा घोट और दीगर इलाके भी शामिल। लाहौर के बाद पंजाब के दीगर कई शहरों में भी स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज। मुल्तान, फैसलाबाद, डेरा गाजी खान के मुतअद्दिद इलाके 14 रोज के लिए सील। उधर हैदराबाद में भी कल से स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। 100 से ज्यादा इलाकों, टाउन्स और कॉलोनियों को सील किया जाएगा। पेट्रोल का बुरान 9 ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने जानबूझकर पैदा किया। शफी आफरीदी की सरबराही में कमेटी ने बुरान की इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। 49 सफात की रिपोर्ट 92 न्यूज ने हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक स्टोरेज में पेट्रोल मौजूद होने के बावजूद 1 जून से सप्लाई इंतहाई महदूद की गई। इंक्वायरी कमेटी की पेट्रोल बुरान की जिम्मेदार कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश। बलोचिस्तान से तब्दीली की हवाएं चलने लगी। बीएनपी का हुकूमती इत्तेहाद से अलहदगी का ऐलान। बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने भी अलग होने का इंदिया दे दिया। जमहूरी वतन पार्टी की हुकूमत से अलहदगी पर सोच विचार शुरू। शाहजैन बुगटी ने पार्टी की सेंट्रल कमेटी का अहम इजलास तलब कर लिया। सिंध में जीटीए रहनुमा अली गौहर मेहर ने वजीर आजम से मुलाकात के बाद कहा, हुकूमत लोगों की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर रही। हमने सिर्फ बजट के दौरान नहीं किया है, हर दूसरे महीने जो है हम उनको याद दहानी कराते रहें। आने वाले दिनों में कल वो एनएफसी पर नज़रसानी करते हैं, वो 18th अमेंडमेंट में पे जो है रोल बैक करते हैं, तो उसके जिम्मेदार हम भी तो कहलाएंगे। हुकूमती इत्तेहाद से अलहदगी पार्टी का फैसला है। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मिंगल की प्रोग्राम नाइट एडिशन में बातचीत। बोले, हुकूमत ने वादे के बावजूद 2 साल में बलोचिस्तान के मसाइल हल नहीं किए। अगर हुकूमत 18वीं तरमीम या एनएफसी पर कुछ करती है तो बीएनपी ही खुद जिम्मेदार ठहरती। बलोचिस्तान का हर बच्चा तहरीक इंसाफ के पीछे जाएगा। इमरान खान पहला शख्स नहीं जो इक्तदार में आकर बदल गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बीएनपी के सरबराह अख्तर मेंगल में टेलीफोनिक राबिता। अख्तर मेंगल ने कहा कि हुक्मरानों की गफलत से सूरत हाल खराब हो रही है, मुल्क को जरदारी जैसे सियासतदान की जरूरत है। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा मईशत को सहारा दिया, सिलेक्टेड और इम्पोर्टेड कठपुतलियों ने मुल्क को मसाइल की आमा जगह बना दिया। अब जो हम लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लेके आ रहे हैं और इंशाल्लाह अब इलेक्शन होगी, मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान की तारीख का बेहतरीन लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आ रहा है। कराची का भी मसला, लाहौर का मसला, ये कभी भी हल नहीं होगा जब तक कि आप डायरेक्ट इलेक्शन से आए, उनको एम्पावर करें, वो अपने फाइनेंस इकट्ठे करें। कोई 18th अमेंडमेंट से इख्तलाफ नहीं कर रहा, लेकिन 18th अमेंडमेंट में कई ऐसी चीज़ें इन्होंने जल्दी जल्दी में डाल दिए हैं जिनको रिव्यू करना पड़ेगा। वजीर आजम ने 18वीं तरमीम पर नजरसानी की बात खुल कर कह दी। इमरान खान ने कराची के सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि 18वीं तरमीम में जल्दी में शामिल की गई चीज़ों से मसाइल सामने आ रहे हैं। सूबों को इख्तियारात मिले लेकिन निचली सतह तक मुंतकिल नहीं हुए। मेयर के बराह रास्त इलेक्शन के बगैर कराची के मसाइल हल नहीं होंगे। अब सारी जिम्मेदारी अवाम पर है। सिंध में सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहों में 5 से 10% इजाफा। प्रॉपर्टी, गाड़ियों, जरई कारोबार और दीगर रोजगार को टैक्स अदायगी से इस्तस्ना। 12 खरब 41 अरब रुपए से जायद हजम और 18 अरब खसारे का बजट पेश। नया टैक्स नहीं लगाया गया। तरक्याती बजट में 58 अरब की कटौती। महकमे दाखिला के लिए 113 अरब मुख्तस। वजीर आला की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का हंगामा। इस
से अतियाब होने वाले अफराद प्लाज्मा अतिया करके 1,16,874 जिंदगियां बचा सकते हैं। प्लाज्मा अतिया करें और हम वतनों की जिंदगी बचाएं। 0334192026 पर व्हाट्सएप पैगाम भेजें। 92 न्यूज प्लाज्मा अतिया करने में आपकी मदद करेगा। डॉक्टर ताहिर शमसी कहते हैं सेहतयाब होने वाला 2 हफ्ते बाद प्लाज्मा अतिया करने के काबिल हो जाता है। एक वक्त रखा जाए कि उस वक्त में वज़ीर आज़म समेत पूरी कौम अल्लाह ताला की नुसरत तलब करने के लिए, मदद मांगने के लिए, तौबा व इस्तिग़फ़ार करके इस मुश्किल सूरत हाल से निकलने के लिए अपने रब की हुजूर फरियाद करें। इस वक्त अल्लाह की तरफ रुजू करने की ज़रूरत है, तौबा व इस्तिग़फ़ार करने की ज़रूरत है, और बिलख़ुसूस जुमे वाले दिन, क्योंकि कबूलियत का वक्त होता है। जुमा जो है बड़ा मुबारक दिन है, और हर अमल का अजर जो है वो 70 गुना जुमे वाले दिन बढ़ जाता है। अवाम जुमे के दिन को यौम तौबा और यौम दुआ के तौर पर मनाएं। उल्मा और मशाइख की अपील कहते हैं लबों को जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से सजा लें। पेशानियों को सजदों से रोशन कीजिए। आंखों को आंसुओं से तर कीजिए। अल्लाह से मुआफ़ी मांगें, और कोरोना से निजात भी अल्लाह ताला ने बार बार फरमाया है, मुझसे मुआफ़ी मांग लो, मैं मुआफ़ फरमाने वाला हूँ। मुमताज कंपेयर तारिक अजीज खालिक हकीकी से जा मिले। लाहौर में नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक। 84 साल तारिक अजीज को गले में तकलीफ के बाइस अस्पताल लाया गया, लेकिन जान बर ना हो सके। तारिक अजीज ने प्रोग्राम नीलाम घर से शोहरत पाई। देखती आंखों सुनते कानों का जुमला पहचान बना। फिल्मों में काम किया। 1997 में इमरान खान को शिकस्त देकर MNA बने। और भड़कती आग पानी के बजाय अब बुझाएगी झाग। तुर्क एयरलाइंस का झाग के जरिए आग पर काबू पाने का तजुर्बा, देखने वाले दंग रह गए। इस्तांबुल एयरपोर्ट के हैंगर में टेस्टिंग के लिए आग लगाई तो खुदकार तरीके से फॉर्म की बारिश शुरू हो गई। बाहर मुल्कों में लोग भेजे 9,70,000 बंदा, तो 970,000, तो 10 लाख बंदा बाहर गया है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि 10 लाख बंदा 18 महीने में पाकिस्तान के बाहर जाते हुए उनको नौकरी मिली है। तो 80,000 का फिगर हमें इस तरीके से हिट नहीं करता, लेकिन ये कोरोना है, इवॉल्विंग सिचुएशन है, और ये चेंज होती रहेगी। और हर मुल्क, कई मुल्क पाकिस्तान से भी ज़्यादा इकोनॉमिकली हिट हुए हैं, तो उनके इकोनॉमिक सर्कमस्टांसिस के देखते हुए और भी नौकरियां जा सकती हैं। PM की मेहरबानी से, उनकी गुडविल की वजह से, हमारे UAE, सऊदी अरेबिया, कतर, मलेशिया, इन सारे मुल्कों के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। इसलिए हमने इस 18 महीने में इतने ज़्यादा, हमने एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग बेसिकली नंबर आपको दिया है कि जो बाहर मुल्कों में एक्सपोर्ट हुआ है पाकिस्तानी। इसलिए हम इस चीज़ में हम कोशिश भी कर रहे हैं कि इंशाल्लाह जब कोरोना ख़त्म होगा और नौकरियां खुलेंगी, हम फिर से उसी रूटीन से वापस हर हफ्ते, हर महीने 50 से 70 हज़ार बंदा हर महीने भेजना शुरू कर दें। ये हमारी पूरी कोशिश होगी। इस वक्त में हमने जो 80,000 बंदा जो हम वापस लेके आए हैं, इसके साथ साथ हम 600 डेड बॉडीज़ भी वापस रिपेट्रिएट पाकिस्तान में हमने किए। अब तक हमारी कुछ 100 डेड बॉडीज़ अभी तक सऊदी अरेबिया में भी रहती हैं। इसके लिए भी हमने PIA के साथ बात करके बंदोबस्त कर रहे हैं। जो एयरस्पेस खोलने की जो बात हम करना चाह रहे हैं, वो भी अभी हम कल तक इंशाल्लाह इसका पूरा फॉर्मूला बना देंगे, और कुछ हमारी जो टोटल जो कैपेसिटी है उसका कुछ 25% हम इंशाल्लाह एयरस्पेस खोलेंगे। उस 25% का कुछ 70% हम सिर्फ़ GCC, UAE, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, मलेशिया, इन जगहों पे डालेंगे जहां हमारा लेबर फंसा हुआ है, कि हम जल्द से जल्द उनके लिए, उनको वापस लेके आए, जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल कैबिनेट में आवाज़ उठाई और उनको बोला कि उनको फ़ौरन लेके आए। तो 70% हमारी फ़्लाइट्स, और ख़ास तौर के PIA की, वो हम वापस, उनको हम वापस लेके आएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो मोहित यूसुफ साहब ने बात की है कि PM साहब ने आपके लिए आवाज़ उठाई है कल,
दर्द दिल से बोला है कि आप लोग वापस आएं और जल्द से जल्द आएं।